हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग देखे थे अलग अलग, जैसे लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, मिक्स्ड अप्रोच देखा था। तो पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड का हम आज जो लेने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि MOOC जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, तो उनके बारे में हम आज जो है आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता ही होगा कि 16 अक्टूबर से नेट के एग्ज़ाम जो है वो चालू होने वाले हैं। एग्ज़ाम जो पहले का था तो वो पोस्टपोन हो गया है। सो उसी के लिए हम पेपर वन के बेसिस पे टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक पे कुछ वीडियोस ला रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए कि जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे या आपको अगर कुछ नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगे तो उस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड शुरुआत करते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो बेसिकली जो अभी मतलब डिजिटल एरा में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि जो ऑफलाइन ना जाते हुए भी हम कर सकते हैं। एक्सटर्नल एजुकेशन मोस्टली इस फॉर्म में होता है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा या मैसिव MOOC, ये जो एग्ज़ाम्पल्स है तो वो इंडिया में ज़्यादातर जो ये सिस्टम है तो वो ऑपरेट की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें कौन से कोर्सेज है या ये जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC का जो सिस्टम है ये किसने डेवलप किया, तो इसके बारे में हम आज के जो वीडियो में है जानकारी लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि बेसिकली जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है तो इंडिया में है। इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ MOOCs आफ्टर USA। फर्स्ट कंट्री जो है MOOCs का तो वो है USA, उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ऑनलाइन जो एजुकेशन कोर्सेस होते हैं उसका बेनिफिट लेती है। रन बाय प्राइवेट हाउसेस, प्राइवेट हाउसेस भी इसको रन करते हैं या गवर्नमेंट की अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे NPTEL, IIT जो है अलग अलग तरह की, खड़गपुर बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, तो इस तरह की जो पॉपुलर IITs हैं वो भी MOOCs के कोर्सेज को ऑनलाइन रन करती है। हेल्प टू रीच एजुकेशन टू सम टारगेट ग्रुप, मतलब जो अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ है, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन अभी तक पहुँचा ही नहीं है, तो इस तरह के एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज चाहे अवेलेबल नहीं हो सकती है या फिर वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस की कमी हो, ठीक है, तो इस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा नीड है MOOCs जैसे ऑनलाइन कोर्सेज की, कि वो घर बैठे कहीं भी विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन ले पाए, सो डिज़ायर्ड लिटरेसी लेवल उनकी हो पाए, और उसके बाद अगर वो कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं थ्रू दिस बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी। एंड शार्पन यूथ स्किल्स, यूथ स्किल्स मतलब स्किल्स रिलेटेड भी अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर पर्सन या स्टूडेंट को क्या सीखना है। MOOCs डायनामिक डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्री प्लान्ड मटेरियल, यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड रहता है और प्री प्लान्ड मटेरियल के थ्रू ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है, बट ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है, सिर्फ एजुकेशन टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है PPTs के थ्रू या फिर जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहा है उसके थ्रू। इट इज़ वेल स्ट्रक्चर कोर्स, प्री सिलेक्टेड रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल, यहाँ पे सारा कुछ डिसाइडेड होता है कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो कौन से मटेरियल से या कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो वो सामने वाले जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनको किस तरह से समझ में आ जाए कि उस तरह से मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पे कुछ भी ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं किया जाता। पहले तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 2008 में बाय जॉर्ज सिमंस, ये नाम याद रखिएगा, और ईयर ऑफ मतलब स्टार्ट का जो है वो 2008, एंड जॉर्ज सिमंस ने ये डेवलप किया था एंड स्टीफन डाउन्स। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, इसको और एक नाम से बोला जाता है कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप इस ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कनेक्ट हो पाते हो। सो जहाँ पे आप पहुँच नहीं पाते थ्रू फिजिकल मोड्स, सो आप इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे पहुँच पाते हो। मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवरी, यस, यहाँ पे आप तो ऑफलाइन बुक्स तो नहीं दे पाते हो स्टूडेंट्स को, बट यहाँ पे ऑनलाइन मटेरियल सारा अवेलेबल होता है, चाहे वो
PDFs हो, चाहे वो PPT हो, रिटर्न नोट्स हो, तो उसके थ्रू मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवरी होती है। ब्लेंडेड लर्निंग अडॉप्टेड, ब्लेंडेड मतलब मिक्स लर्निंग यहाँ पे होती है, मतलब टीचर स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, ना टोटली टीचर सेंटर्ड ना टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड, सो ब्लेंडेड लर्निंग होती है। देखते हैं इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। कोर्स फॉर्मेट, किस तरह का कोर्स होता है, मतलब किस तरह का लर्निंग होता है यहाँ पे। सेल्फ पेस्ड एंड शेड्यूल्ड, किस तरह का होता है फॉर्मेट। सेल्फ पेस्ड एंड शेड्यूल्ड मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसे स्ट्रेस नहीं होता है कि इसी टाइम पे आपको आपको जाना है, तो सेल्फ पेस्ड और शेड्यूल्ड होके भी आप बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। लर्निंग मॉडल ऑनलाइन या ब्लेंडेड होगा। नंबर ऑफ कोर्सेस होते हैं यहाँ पे, मतलब कोई किसी को इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग या कंप्यूटर कोडिंग, ठीक है, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो इस तरह के अलग अलग, या फिर जो हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस है फ्रेंच जर्मन, तो नंबर ऑफ़ कोर्सेस होते हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी यहाँ पे होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से बोल सकते हो या इंडिया के सारे जो पॉपुलेशन है तो वो यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कनेक्ट होती है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स है यहाँ पे, क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस, मतलब अभी ये जो कोर्स है तो ये ऑनलाइन इसकी डिलीवरी हो रही है, तो यहाँ इस कोर्स को बहुत सी जगह से मदद मिलती है या फंडिंग होता है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है तो यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करती है। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ की जाती है, मोबाइल ऐप के थ्रू इसकी डिलीवरी हो सकती है। एंड ऐप प्लेटफॉर्म जो है, मतलब किसके थ्रू जो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, iOS या एंड्रॉयड सिस्टम, सो जिसके थ्रू आप ये फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हो। चलो तो फिर देखते हैं आगे, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी कि MOOC एग्जैक्टली होता क्या है एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय होम। सो देखते हैं पेडागोजिकल टेक्निक्स, नॉलेज शेयरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन, ये किस तरह का टेक्निक है। पेडागोजिकल, पेडागोजिकल यानी कि क्या, यहाँ पे आपको सारा कुछ रेडीमेड मिल जाता है। किस तरह से मिल जाता है, रेडीमेड मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे लॉगिन या आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा एंड रेगुलरली सिर्फ आपको कोर्सेज के लेक्चर जो होते हैं वो अटेंड करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आपको खुद से मेहनत नहीं करनी, इसलिए हम बोलते हैं पेडागोजिकल, ठीक है। पेडागोजिकल यानी रेडीमेड आपको जो है लर्निंग आप ले सकते हो। कोर्सेज एट फ्री एंड नॉमिनल कॉस्ट, जो भी कोर्सेज हैं तो वो फ्री एंड नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं, मतलब कोर्सेज जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी फ़ीस पे करनी है, ये सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए फ्री भी प्रोवाइड किया जाता है या नॉमिनल जो भी कॉस्ट है उसके बेसिस पे हो सकता है। क्या प्रोसेस है इसका, चूजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, NPTEL शेड्यूल्ड एंड ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होगा तो वो किस तरह का होगा, NPTEL का जो होगा तो वो शेड्यूल्ड होगा एंड ऑनलाइन होगा। MOOC किट का जो होगा वो भी शेड्यूल्ड बट ब्लेंडेड होगा। IIT BX जो होगा शेड्यूल्ड सेल्फ पेस ऑनलाइन होगा, सेल्फ पेस यानी कि अपने टाइम के अनुसार, स्टूडेंट के टाइम के अनुसार। स्वयं का जो होगा वो शेड्यूल्ड एंड सेल्फ पेस, ये हमने जो देखे ना तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं इसी तरह का एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद की जो स्टेप, मतलब आपने एक बार प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि आपको कहाँ से MOOC से ऑनलाइन लर्निंग करनी है वो फिक्स हो गया आपका। बाद में जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने नाम का प्रोफाइल आप बोल सकते हो कि जिसके थ्रू आप वहाँ पे रजिस्टर्ड रहोगे और बार बार आपको वहाँ पे लॉग मतलब सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट लॉग इन करके वहाँ पे एंटर हो सकते हो। डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न, आपको देखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या किस तरह से मुझे पढ़ना है, रिकॉर्डिंग्स देखनी है या उसी फिक्स टाइम पे देखना है, सो इट इज़ डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। ऑडिटेड कोर्स होता है यहाँ पे, ठीक है, कोर्स प्री डिसाइडेड होता है यहाँ पे, कुछ भी ऑन द स्पॉट चेंजेस नहीं किए जाते। सर्टिफाइड कोर्स, यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, फ्री एंड नॉमिनल कॉस्ट होगा फिर भी, सो जिसका फ़ायदा आपको आगे फ्यूचर में हो पाएगा। स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होते हैं, जैसे अभी बताया जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती है, या अलग अलग जो PG एंड UG कोर्सेज होते हैं तो अलग अलग उनके भी स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसका भी फ़ायदा आप यहाँ पे ले सकते हो। फोर्थ वन इज़ एनरोलिंग इन MOOC, आप MOOC में एनरोल करोगे, फिर आपने एक बार प्रोफाइल क्रिएट किया तो आप एंटर हो जाओगे MOOC में। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द कोर्स, आप
धीरे धीरे जो कोर्स का ड्यूरेशन है उतना टाइम आप खुद को दे के उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करके आप वहाँ से सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। कौन से इंडिया में प्लेटफॉर्म है जो MOOC का जो सिस्टम है या MOOC के थ्रू एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहला फॉरमोस्ट इज़ इग्नूज नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, ये प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द बेस्ट नोन एंड पॉपुलर इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स डिस्टेंट लर्निंग टू ऑल ओवर इंडिया, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन साक्षत ई कंटेंट, CBSE शिष्य फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, विद्यावाहिनी इंटीग्रेटिंग इंटू रूरल स्कूल्स, मतलब ये जो विद्यावाहिनी है तो ये रूरल स्कूल पे ज़्यादा फोकस करेगी। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क अर्नेट, इसके थ्रू भी ये प्रोवाइड किया जाता है। एजुसैट एजुकेशन का ये स्पेसिफिक सैटेलाइट है जिसके थ्रू भी ये MOOC का जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हो। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, यहाँ पे TV के थ्रू आप ये एजुकेशन ले सकते हो, आपको यहाँ पे किसी अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन है इन्फ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जो जो जिस जिस ऑथर ने बुक्स लिखे हैं तो ये एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू भी आप MOOC का जो है बेनिफिट ले सकते हो। EPG पाठशाला बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एग्जीक्यूटेड बाय UGC, EPG पाठशाला भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है MOOC का। ई अध्ययन मतलब ई बुक्स एंड UGC MOOCs एंड ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस क्लोजली लिंक्ड विथ EPG पाठशाला। ठीक है, मतलब ई अध्ययन मतलब क्या कि ई बुक्स, UGC MOOCs एंड ई पाठ्य। सो ये अलग अलग तरह के हमने क्या देखे, प्लेटफॉर्म्स देखे जिसके थ्रू MOOCs का बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया में लिया जाता है। तो स्टेप्स देखे हमने कि MOOC का जो भी वर्किंग है तो वो किस तरह से होता है या MOOC किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया एंड कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। बट येस, देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, विच आर दे? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ कहीं भी आपको प्रोवाइड करना है एजुकेशन, तो जहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसी वजह से आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो एजुकेशन बहुत सारे लोगों को। ठीक है, डिजिटल डिवाइड एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटल डिवाइड मतलब अर्बन एंड रूरल, इस तरह का डिफ्रेंशिएशन ना करके दोनों जगह पे आप पहुंच सकते हो थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन, मतलब उसका स्पीड जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल का होना चाहिए। उसके बाद यस, इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ही, कन्वेंशनल रेगुलेशंस एंड PPP फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर MOOCs, मतलब क्या कि अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो आएगी एक साथ मिलके जो है इन्वेस्टमेंट करेगी एंड उसके बाद जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो इसके लिए भी रेगुलेशंस दिए गए हैं। डाइवर्सिफाइड नीड्स, मिनिमाइज द एग्जिस्टिंग डिफरेंस अमंग्स लर्नर्स। डाइवर्सिफाइड नीड मतलब क्या कि अलग अलग लर्नर के अलग अलग डिमांड्स होते हैं लर्निंग के, मतलब उन किसी को कौन सा कोर्स सीखना है तो किसी को कौन सा, तो उस तरह के कोर्सेस ऐड किए जाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट की नीड या लर्नर की नीड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। और अभी के जो भी डिफरेंसेस है लर्नर्स में कि जिसको चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर कोई गरीब है या कोई अच्छे आप बोल सकते हो कि अच्छे इंटेलिजेंस का है, तो इस तरह का कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए एजुकेशन जो है वो सारे लोगों को जितना हो सके उतने कोर्सेज के थ्रू दिया जाता है। एडॉप्शन ऑफ MOOC अमंग लर्नर्स, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन भी इस कोर्सेज के थ्रू अच्छी तरह से बिल्ड होता है। उसके बाद क्वालिटी, यस, क्वालिटी के बिना तो जो है कौन सा भी एजुकेशन जो है तो वो किसी भी लर्नर को बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टीचर्स एंड टेक्निकल स्टाफ की जो क्वालिटी है, मतलब उनका एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, उनका स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टीचर जो है वो अच्छा नॉलेज क्या करेगा, प्रोवाइड कर पाएगा। क्वालिटी असेसमेंट, जो भी क्वालिटी है टीचर्स या स्टाफ की तो वो कहाँ से असेस होगी, मतलब कहाँ से चेक की जाएगी, टेस्ट की जाएगी। क्वालिटी असेसमेंट बाय नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट नेटवर्क या फिर नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू जो है वो क्वालिटी असेस की जाएगी। ठीक है, सो यही कुछ चैलेंजेस है, दीज आर सम
लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस। सो ये अगर इसको अगर टैकल किया जाए कि अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, सो जिसकी वजह से जो भी प्राइवेट एंड पब्लिक जो जो इंक्लूडेड है वो तो प्रोवाइड कर ही रही है, बट जो करना चाहती है एजुकेशन को प्रोवाइड तो इन्वेस्टमेंट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से वो नहीं कर पा रही है, तो एक साथ मिलके वो ये काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड नीड्स फुलफिल होनी चाहिए लर्नर्स की, तभी वो इसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे एंड उसका फ़ायदा ले पाएंगे एंड बेसिक लिटरेसी लेवल जो है वो अटेंड कर पाएंगे। एडॉप्शन ऑफ MOOC अमंगस्ट लर्नर्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी ही ज़रूरी है जितना लर्निंग या थेरेटिकल कंसेप्ट जो है वो सीखना, तो बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है एंड टीचर एंड टेक्निकल स्टाफ की क्वालिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव की जाती है या फिर करनी चाहिए, या अगर नहीं है तो किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सके, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज MOOC के सामने है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि MOOC एक्चुअल में क्या है, एंड इसके ऊपर भी अलग अलग तरह के MCQs आपको पूछे जाएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर आपको किसी और अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।